भाई यहाँ पर हुआ था इवेंट और बहुत ही छुपी हुई जगह थी भाई। ये देखो ये सब सो रहे हैं भाई। स्टेशन से हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब हम जा रहे हैं मेट्रो की ओर। जिनकी शादी हो गई है सर वो तो परेशान ही रहते हैं जिंदगी से। सर आपकी कह रहा है सर इसमें। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। भाई मुझे निकलना है सुबह मॉर्निंग में एक ऐसे शो में जो जिनका सपना, मतलब काफी लोगों का सपना होता है इस शो में जाने के लिए। संदीप महेश्वरी के शो में जा रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कहीं और जाने की नहीं हुई होगी, बट यहाँ जाने की मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट के साथ साथ मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं उठ पाता, बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए उठना, बट उठना पड़ेगा भाई। जाना है, कुछ ना कुछ खाना है तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। तो अब मैं सोने जाऊँगा, मॉर्निंग में आपसे मिलता हूँ। बज रहे हैं सुबह के, मैं वैसे आज 6 बजे से भी पहले उठ गया था क्योंकि आज जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी, तो मैं 6 बजे से पहले उठ गया था। अब मैं वहाँ पर, मतलब अभी बज रहे होंगे मेरे हिसाब से 7 बजने वाले होंगे, 7 नहीं 7:15 हो गए हैं क्योंकि, और लेट हो गया हूँ, जल्दी से निकलना है क्योंकि 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो भाई अब मैं रास्ते में बात करता हूँ आपसे। भाई ये कुछ ऐसा है सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन का 7:40 हो रहा है भाई। देखो ये सब सो रहे हैं। A few moments later भाई यहाँ पर हुआ था इवेंट और बहुत ही छुपी हुई जगह थी। हमें एक गुरु की ज़रूरत है जो हमें एक राइट पाथ पे लेके जाए, लेकिन हम किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, जो मन कहता है उसको फॉलो करना चाहिए या फिर जो सब कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए या फिर जो गुरु कह रहा है उसको फॉलो करना चाहिए? गुरु कौन है? राइट, कि गुरु कौन है? यस, या वो जो गुरु खुद को बोल रहा है या जिसको लोग गुरु बोल रहे हैं वो एक्चुअल में गुरु है भी या नहीं है? करेक्ट। जैसे पहले के ज़माने में अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो आपको किसी गुरु के पास जाना होता था। ये बाहर से नहीं आया आपके अंदर, आपके खुद के अंदर से आया क्योंकि आपको जरूरत थी उस पॉइंट पे किसी की गाइडेंस की, तब आपने सीख किया गाइडेंस को। आज क्या हो रहा है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। आपको चाहे जरूरत है या नहीं है, इतने गुरु हो गए हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। एक स्पिरिचुअल गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी एड चला रहा है। एड किस लिए? डिजायर है ताकि और लोग आए। अच्छा, उससे क्या होगा? और डोनेशन आएगी, उससे क्या होगा? और एड चलेगी। वो आपके ऊपर अपने जो थॉट्स हैं उसको इम्पोज कर रहे हैं, चाहे आपको गाइडेंस की जरूरत है या नहीं है, चाहे आपकी वो एज है या नहीं है। किस तरह के इंसान से शादी करें मैं बताता हूं। ये देखो ये वीडियो है ना, और ये टॉपिक है। और मजे की बात क्या है कि आप लोग इतने घोचू हो कि आप इतना भी इंक्वायर नहीं करते हो कि वो इंसान जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा है उससे रिलेटेड उसके पास में कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। मतलब शादी, विच इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में। एक ही टाइम पे एक इंसान के साथ आप रहना भी चाहते हो और उसको छोड़ना भी चाहते हो, एक साथ दोनों चीजें हो रही होती हैं। अब ऐसे टाइम पे आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो उस फेज से निकला हो, वो आपको सही गाइड कर पाएगा, जिसके साथ में ये चीज हो चुकी हो, जिसने खुद इसको फेस किया हो, तो वो आकर के आपको बोल सकता है कि कोई बात नहीं, छोटे मोटे इश्यूज हैं, जाने दो, एक दो दिन के लिए थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे आपको जरूरत है किसी ऐसे इंसान की जो एक्सपीरियंस्ड हो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन हुआ क्या, आपकी लड़ाई हुई है अभी अभी अपने पति से या पत्नी से, अब YouTube पे आपने ऐड देखी और वहां पे एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, इनको पता लग जाता है कि कब आप लाइफ के किस फेज से निकल रहे हो। आपको नहीं पता, इनको सब पता है कि अभी अभी आपकी अपने पति से या पत्नी से लड़ाई हुई है। अब आप कहोगे इनको कैसे पता, इसी को डेटा बोलते हैं, उसी से रिलेटेड कॉन्टेंट आता है। उसी टाइम पे आपको वही वीडियोस एकदम से दिखने लग जाएंगी, वही कंटेंट दिखने लग जाएगा। अब आप उस शॉर्ट से गए उस गुरु के पास में, आप कहोगे यार बात तो सही है। जब लड़ाई होती है उस इंसान से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होते हो, तो लाइफ की धज्जियां उड़ जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो ये गुरु आपके पास में सपोर्ट बन करके आ जाता है, अरे सब में कुछ नहीं पड़ा है, यही आपके दिमाग में चल रहा है। और यही आकर के उस गुरु ने बोला, किस लिए करते हो शादी? अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए? आपने कहा हाँ।
यही तो है, ये मुझे पहले नहीं पता थी बात, ये गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले मुझे। अब आप सब छोड़ छाड़ करके उस गुरुजी के पास में जा करके बैठ गए। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका ऐसा ब्रेन वॉश हो गया है जो आपको खुद भी नहीं पता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। आपको इतना अलर्ट रहना होगा आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी और एकदम से ही लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या है। और मैं बता रहा हूं आपको वजह क्या है। एक ऐसा इंसान जिसको खुद कुछ नहीं पता है वो आकर के आपको गाइड कर रहा है उस टॉपिक के बारे में। अब उसकी गाइडेंस कैसी होगी, इन बातों को अगर आप समझ गए तो बच जाओगे, नहीं तो दे आर कमिंग आफ्टर यू थ्रू ऑल मीन्स एंड विद ऑल माइट। क्यों? क्योंकि आज का जो एज ग्रुप है ना इस सेशन का, ये है 25 साल से 30 साल के बीच में, तो ये एज ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों के लिए। क्योंकि अभी आप लोगों की जेब में पैसा है, अब बेचारा एक स्टूडेंट है उसकी जेब में पैसा ही नहीं है तो वो क्या देगा इन लोगों को। आई वोंट बी सरप्राइज कि जब ये अपना एड कैंपेन चलाते हैं तो वहां से पीछे से डिफाइन करते हैं कि ये मेरी एड दिखनी चाहिए 25 साल से 40 साल के या 50 साल के लोगों को, क्योंकि पता है कि पैसा वहीं है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं, इट इज लाइक नीड ऑफ द आवर, स्पेशली टॉपिक्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैरिज, इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। देयर आर पीपल ऑन यूट्यूब दैट आई एम अवेयर ऑफ, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, शादी की एक ऐसी इमेज बना रहे हैं आप लोगों के माइंड में जो बिल्कुल अनरियल है, इम्प्रैक्टिकल है, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि शादी ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिसका ऐसा माइंडसेट हो जैसा आपका माइंडसेट है। अच्छा, ये आपका माइंडसेट कैसे बना? मैंने बनाया, पहले मैंने आपको अपनी एड दिखाई, फिर अपने यहां पे बुलाया, फिर आपका एक माइंडसेट बनाया, अब आपको कह रहा हूं ऐसी ही लड़की से शादी करो। अरे तो आप ही करवा दो। कभी भी अगर आपको एडवाइस चाहिए या कोई कंफ्यूजन है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे शादी हो गई है चाहे नहीं हुई है, एडवाइस चाहिए शादी से रिलेटेड, तो हमेशा किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी शादी हो गई हो। जिनकी शादी हो गई है सर, वो तो परेशान ही रहते हैं जिंदगी से। सर आपकी क्या राय है सर इसमें? आपकी भी शादी हो गई सर, आपकी क्या राय है? देखो ये जो बातें होती है ना, एक्चुअल में मजाक में करी जाती है, इससे रिलेटेड जो जोक्स है ना, पति पत्नी के हसीन चुटकुले, इससे ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं आता, स्पेशली अगर किसी की शादी हो गई है तो। लेकिन अगर एक्चुअल में उन लोगों से आप जाकर के बोलो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ेंगे। और आपको एक और मजेदार बात बता रहा हूं, जो इस तरह के जोक ज्यादा मारेंगे ना उनकी रिलेशनशिप उतनी बढ़िया है। उस रिलेशनशिप में मजाक के लिए स्पेस है, इसका मतलब रिलेशन अच्छा है। और आप लोगों को क्या लग रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है कि क्योंकि इससे रिलेटेड लोग इतना मजाक करते हैं तो सब दुखी है? जब इंसान दुखी होता है तो वो मजाक नहीं करता है, तो उसको मजाक तंग करता है, मजाक बुरा लगता है। तो जैसा आप सोच रहे हो एग्जैक्ट उसका उल्टा है। बट ये बातें कौन समझ सकता है? जिनकी शादी हो गई उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। शादी बुरी नहीं है सर, डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर टू पार्टनर। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। अभी इन्होंने क्या कहा? डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर तो एक इमेजिनेशन है जो आपके माइंड में है। और मजे की बात क्या है कि ये इमेजिनेशन दो तरीके से बनती है। एक है जो बॉलीवुड बनाता है आपके माइंड में कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम साथ साथ हैं, घर में आ रहे हैं, सास बहू साथ में मिल करके लूडो खेल रही है। तो एक एक्सट्रीम आपके माइंड में इमेजिनेशन क्या है जो बॉलीवुड ने बनाई है या मूवीज ने बनाई है, रोमांस की, प्यार मोहब्बत की, शादी की, इसकी उसकी, जो पूरी तरह से गलत नहीं है, बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड, वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसका जो पूरा नेचर है, वो चेंज हो जाता है, जो मूवीज में डिपिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मूवीज में सब कुछ या तो ब्लैक में होता है या वाइट में होता है, ग्रे में दिखाना बड़ा मुश्किल है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने समझ पा रहे हैं कितने नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जैसी भी मूवीज हमने देखी है वहाँ पे ना बड़ा क्लियर एक फर्क होता है कि ये हीरो है ये विलन है, हीरो है तो अच्छा है, विलन है तो बुरा है। जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ में हर आदमी या हर औरत बीच में कहीं पर होता है, ग्रे एरिया में होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, हीरो भी होता है विलन भी होता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो एक्चुअल लाइफ कहाँ है? इन दोनों के बीच में है। शादी ना बहुत अच्छी है जैसे कि दिखा रहे हैं, ना बहुत बुरी है
जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं जो दूसरे एक्सट्रीम में बैठे हैं, जो शादी के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हैं, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अगर आपके माइंड में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं, और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में शादी की एक ऐसी इमेजिनेशन बना रहे हैं जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो इमेजिनेशन कहाँ है, उनके खुद के माइंड में है कि शादी और रिलेशनशिप इस सब में कुछ नहीं पड़ा है जब तक कि आप ये नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूं, खुद को नहीं समझ लेते। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, खुद को नहीं जान लेते। उसके बाद किसी ऐसे को ढूंढो जिसके अंदर या तो ये डिजायर हो, जो खुद को जानना चाहती हो, या खुद को जान चुकी हो, उससे शादी करो। बिल्कुल बकवास, एक इमेजिनरी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और ऐसे इंसान को आप सुन रहे हो। इससे होगा क्या, आपकी पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी। तो आपको करना क्या चाहिए, बहुत अलर्ट होना पड़ेगा लाइफ में आज के टाइम में, क्योंकि अब वो टाइम गया कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दुनिया में जा रहे हो। अब आपको चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है, तो पहले एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके माइंड में, फिर आपको अपना सॉल्यूशन ऑफर करेंगे, और उस सॉल्यूशन को एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। किसी को वहम हो गया है कि मेरे को ये वाली बीमारी है, डॉक्टर कह रहा है नहीं है, नहीं है जी मुझे तो है। सो करना क्या है कि कभी भी आज के टाइम में किसी एक इंसान को फॉलो मत करो, वो इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आपकी लाइफ की क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे देखो कि किस इंसान के पास में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उस इंसान के पास में जाओ, सोल्यूशन निकालो, उसके बाद में दोस्तों अब हम आ चुके हैं घर। मतलब काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, इवेंट में काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। मतलब हमें बहुत चीज़ें बताई गई, जैसे कि फेक गुरु, गुरु होते कौन है, मेन ये बताया गया, और फेक गुरु जो आजकल गुरु बनते हैं बट गुरु होते नहीं हैं उनके बारे में बताया कि हम कैसे बच सकते हैं, और हमें बोला गया सतर्क रहने के लिए कि क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और उन्होंने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग बात करी, जो मैरिज है, शादी मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ नहीं होती। उसके बारे में बताया कि शादी लोग काफ़ी लोग मानते हैं कि शादी बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन शादी बहुत अच्छी चीज़ होती है। बल्कि मेरा ही सवाल था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। भाई नो डाउट इवेंट बहुत अच्छा रहा। मतलब आपको, मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत बेस्ट रहा है। मतलब फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बेस्ट रहा है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग चीज़ों पर होता है, जैसे कंट्रोवर्सी, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, ये भी कंट्रोवर्सी हो गई। मतलब एक छोटी सी चीज़ पूछ हुई, मतलब छोटी तो नहीं, जो उनके जैसे होता है कि फेवर एक होता है, अगर हम किसी के फेवर में बोलते हैं या अनफेवर में बोलते हैं, या एक बोलते हैं फैक्ट्स, कई कई लोगों को फैक्ट्स वो चीज़ समझ नहीं आते, पसंद नहीं आते, क्योंकि वो उस चीज़ से वो होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब जैसे दूसरे किसी से जुड़े हैं, और मैंने उनके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्स वाई जेड पार्टी है, एक्स वाई जेड पार्टी आपकी फेवरेट है और मैं उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। और अगर जो चीज़ उनके फेवर में, मतलब जैसे कोई लोग उसे नहीं पसंद करते, वो उनको अच्छी लगेगी। बट एक होते फैक्ट्स कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो फैक्ट्स बोलते हैं। उन्होंने किसी का ना फेवर लिया ना अगेंस्ट लिया, उन्होंने फैक्ट्स बोले। तो भाई नो डाउट इवेंट बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन अंदर का मैंने आपको पूरी वीडियो दिखा दी है इसमें, बट मज़ा आया। मतलब काफ़ी अच्छा था, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर आपका मौका मिलता है। देखो मेरे को तो मौका मिला था, मेरे को तो बुलाया गया था, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब मुझे बहुत पसंद आया, बुलाया गया था। भाई ये जो है ना, ये बद्रीनाथ के बीच में डलेगी, बद्रीनाथ के बहुत सारे अभी व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था और अदर मेरे को काम, बहुत सारा काम बढ़ गया था। बट बद्रीनाथ की ट्रिप भाई यहाँ से इसके बाद से कंटिन्यू हो जाएगी और जल्दी ख़त्म होगी। फिर उसके बाद बहुत सारी और ट्रिप्स, मैंने पूना भी गया हूँ, बहुत सारी ट्रिप्स हैं, अभी पता चलेगा आपको, वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब धीरे धीरे करके देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना तो आपको पता चलता रहेगा, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।